नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। लांजी, भारत ही नहीं अपितु समूचा विश्व 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। देश के प्रत्येक कोने में नुक्कड़ अभियान, रैलियां, पोस्टर मेकिंग और भाषण जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे महात्मा गांधी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। कानून के छात्र के रूप में शुरू किया गया जीवन, उनकी यात्रा परीक्षणों और उथल पुथल से भरी रही। इस दिन स्कूल छात्रों में नेतृत्व, सादगी, अखंडता के लिए मूल्य को विकसित करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। देशभक्ति की भावना को जोड़ने के लिए छात्र भारी संख्या में भाग लेते हैं, किंतु कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए गांधी जयंती एवं भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को सादगी के साथ मनाया गया। क्या कार्यक्रम का आयोजन किया? ये कार्यक्रम अपना है 2 अक्टूबर, अपना गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखे है। पूरे ग्रामवासियों का इसमें सहयोग रहा, बुजुर्ग हमारे सभी युवा साथी भी इसमें रहे और पदाधिकारी भी रहे पंचायत के। किस प्रेरणा स्रोत मिला कि आज के दिन ऐसा? ये प्रेरणा है अपने गांधी जी के वो स्वच्छता पर और स्वच्छता को लगाने के लिए एक बढ़ावा देते थे हमारे स्वच्छता के लिए। वातावरण को सही करने के लिए हमने वृक्ष लगाने का निर्णय लिया सभी युवा साथी और ग्रामवासियों के साथ मिलकर। इसके पहले भी आपके द्वारा हमने को कार्य किए गए हैं? किए हैं ना, स्वच्छता पर किए हैं हमने, नालियों साफ करवाने पर। आगे और क्या करने का इरादा? आगे हमें करना है गांव को सफाई, पूरा सफाई बनाने की, एक आदर्श गांव बनाने की हमारी एक संकल्प बना के रखे हमने। आपकी समिति कितने दिन हो गया है काम कर? करीबन ये अपना 17 अगस्त से हमने इसका प्रारंभ किया है। चलो ठीक। खबर समय जगत के लिए लांजी बैनेगांव से रूपेश राप्ते की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.